हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y27 फोन के बारे में। अगर आपके पास वीवो का Y27 फोन है, अगर आप लोग चाहते हो उसमें गूगल डायलर को रिप्लेस करना, गूगल डायलर अगर आपको प्रॉब्लम करता है तो आप लोग इससे डिलीट करके एंड अपने फोन में वीवो का ओरिजिनल डायलर को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। फाइनली इस वीडियो में मैं आप लोग को इसी के बारे में बताने वाला हूँ एंड इसके साथ में आपको बताऊंगा आपकी जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है कहाँ पर सेव होती है। इन दोनों सेटिंग के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड अगर आप लोग को कोई दिक्कत आती है गूगल डायलर से तो आप लोग गूगल डायलर को रिमूव कर सकते हो अपने फोन से एंड उसके साथ में आप लोग एक वीवो का डायलर जो होता है ओरिजिनल ओल्ड डायलर उसे आप लोग अपने फोन में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। तो फाइनली इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं। फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वीवो के Y27 फोन के गूगल डायलर को रिप्लेस करने के बारे में, यानी कि गूगल डायलर को रिमूव करके एंड वीवो के ओल्ड डायलर को इंस्टॉल करके यूज करने के बारे में बताने वाला हूं एंड कैसे होगा मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहां पर सेटिंग के अंदर आप लोग को आना है और यहां पर देख सकते हो पहले सेटिंग के अंदर नहीं आना है। पहले मैं आप लोग को डायलर दिखाता हूं, क्योंकि मैंने अपने फोन में दूसरा एक नया डायलर यूज कर रहा हूं। मैंने गूगल का डायलर को यहां से रिमूव कर दिया है और इसके अंदर हमारा जो डायलर है कुछ इस प्रकार का है और ये डायलर मैं यूज कर रहा हूं। अगर आप लोग यूज करना चाहते हो इस तरीके का डायलर एंड वीवो का डायलर यूज करना चाहते हो तो फाइनली यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग को फोन के सेटिंग के अंदर आना है और सेटिंग के अंदर आने के बाद आप लोग डायलर को यूज कर पाओगे। इन दोनों डायलर के बारे में बताऊंगा, आप लोग वीवो का भी डायलर चेंज कर सकते हो एंड इस डायलर को भी अपने फोन में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं यहां पर चलता हूं सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर आने के बाद हमें मिल जाता है यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस। यहां पर क्या होगा दोस्तों, आपको स्क्रॉल करना है और आपके फोन में एक ऑप्शन मिल जाता है ऐप्स का और ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मिल जाता है आपको यहां पर इस तरीके का इंटरफेस। मैंने जो अपने फोन में डायलर को इंस्टॉल किया है और हमारे फोन में डायलर इस तरीके से है, तो दोस्तों यहां पर मैंने ओके पे क्लिक करके बैक कर लिया है और यहां पर हम जैसे ओके पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद यहां पर ओके का ऑप्शन आ जाएगा और सेट नाउ का ऑप्शन आएगा और सेट नाउ पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास डायलर आ जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहोगे अपने फोन में वीवो का डायलर को यूज करना तो वीवो का डायलर यहां पर आपको मिल जाता है। मैंने टिक मार लगा दिया है और इस पर आप देख सकते हो मैंने कुछ अलग से रिप्लाई डायलर को यूज कर रहा था, लेकिन यहीं पे हम वीवो का डायलर पे क्लिक करेंगे और यहां पर देखोगे तो वीवो का डायलर आ चुका है। अब यहीं से आपको बैग होना है और बैग होने के बाद आपके फोन में वीवो का डायलर यहां पर मैंने करके रखा है, यहां पर जो कि मैंने वीवो का डायलर को यहां पर रखा था, देख सकते हो इसके अंदर हमारा जो वीवो का डायलर है यहां पर मैंने रखा है और यहां पर है। तो इस डायलर को मैंने यहां पर रख दिया और इस डायलर को मैंने यहां से ले लिया। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीवो का डायलर को ओपन किया तो वीवो का डायलर कुछ इस तरीके का हमारा इनेबल हो जाता है और इस तरीके से हमारा डायलर काम करता है। जब आप इसे इनेबल करोगे तो कुछ इस तरीके का एक्सेस मांगेगा, एक्सेस देने के बाद आपके पास वीवो का डायलर इस तरीके से इनेबल हो जाएगा। मैं यहां पर कॉल करके भी आपको दिखा देता हूं वीवो का डायलर है, कंफर्म आप लोग देख सकते हो वीवो का डायलर है, ये देख सकते हो ये हमारा वीवो का डायलर है। तो वीवो का डायलर कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिस तरीके से आपको वीवो का डायलर मिल जाएगा एंड इसके सेटिंग वगैरह दिखाता हूं, तो सेटिंग ब्लॉक इनकमिंग कॉल्स भी कर सकते हो। इसके अंदर ब्लॉक इनकमिंग कॉल्स का अलग तरीका होता है एंड गूगल के डायलर के अंदर कुछ अलग तरीका होता है। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर कॉल सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। कॉल सेटिंग में आपको रिजेक्ट कॉल, इनकमिंग कॉल्स एंड एसएमएस, कॉल रिकॉर्डिंग, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग भी आप इसके अंदर इनेबल कर सकते हो, जो कि आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग, ऑल कॉल ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप लोग क्लिक करके इनेबल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर आप लोग को ढेर सारे फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, ताकि आप लोग इन फीचर्स को अपने फोन में यूज कर सकते हो। स्पीड डायलर आपको गूगल डायलर में नहीं मिलता है, इसमें आपको देखने को मिल जाता है वीवो के डायलर में। तो आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हो एंड वीवो के डायलर में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है नहीं है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग करने में, लेकिन आपको गूगल के डायलर में आपको मिल जाता है। ये जो डायलर मैंने इंस्टॉल कर रहा था ये हमारा डिफॉल्ट हो चुका है और मैंने उस डायलर को यूज कर रहा हूं। अब यहीं पर चलते हैं सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आते हैं और सेटिंग के अंदर आने के बाद क्या होगा कि हमें इस चीज को इनेबल द फोन एंड कंट्रोल को जैसे हम ऑफ करते हैं,
तो यहां पर देख सकते हो इस तरीके से हमारा ऑफ हो चुका है एंड गूगल का डायलर हमारे फोन में वापस से आ चुका है। तो गूगल डायलर के अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग फाइल हमारी फाइल मैनेजर के अंदर सेव नहीं होती है एंड कॉल रिकॉर्डिंग करते समय अनाउंसमेंट आ जाते हैं और दिक्कतें बढ़ती हैं। कुछ लोग को पसंद है, कुछ लोग को नहीं पसंद है, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि चेंज कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। सेटिंग के अंदर आओगे, सेटिंग के अंदर आप लोग को यही मिल जाता है, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह इसके अंदर मिल जाता नहीं है, अकाउंट वगैरह मिलता है इसके अंदर। अगर चाहते हो रिकॉर्डिंग के अंदर तो आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग यहां पर मिल जाता है, नंबर नोट कंटेंट, जैसे इसे आप लोग ऑन करोगे अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, अलाउ पे क्लिक करके और जो कि कॉल रिकॉर्डिंग ऑलवेज पे क्लिक करके रख सकते हो, तो आपका ऑल कॉल रिकॉर्डिंग अननोन नंबर पे आएगा और सेव वाले नंबर पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है कॉल रिकॉर्डिंग फाइल एंड गूगल डायलर को आप लोग चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पर मैंने एक डायलर के बारे में और बताने वाला हूं जो कि मैंने बताया है, और इस डायलर को आपको कैसे यूज करना है इस डायलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, यहां पर देख सकते हो। ये जो हमारा रिप्लाई डायलर है, रिप्लाई डायलर आप लोग को दिखाया मैंने, और इसे आप लोग यूज़ करना चाहोगे तो यहाँ पर इनेबल करोगे एंड इनेबल करने के बाद आपको डिफ़ॉल्ट पे मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे एंड सेट पे क्लिक करोगे डिफ़ॉल्ट पे, उसके बाद आपका ये डायलर जो है ये मिल जाएगा। इसके अंदर अगर आप लोग कॉल करते हो तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, मैंने कॉल किया, जहां पर मैंने कॉल कर लिया और इस तरीके का हमारा डायलर आ जाएगा, और ये डायलर देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा, जाके आप लोग अपने फोन में यूज कर सको। और ये डायलर के अंदर अगर आप लोगों को रिसीव कॉल करते हो तो और भी बेटर इंटरेस्टिंग ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, मैं आपको दिखा दूंगा, आप लोग को थंबनेल पे दिख भी गया होगा और आप लोग अपने फोन में इसे यूज कर सकते हो। तो फाइनली इसके कैसे डाउनलोड करना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से इसे लिख सकते हो रिप्लाई ऑटो डायलर, तो आपको प्ले स्टोर के अंदर ये डायलर मिल जाएगा। यहां पर आपको लिखना है रिप्लाई डायलर, तो आपको यहां पर ऑटो डायलर मिल जाएगा, मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर जैसे हम लिखे यहां पर आ चुका है हमारा, यहां पर देख सकते हो ये वाला डायलर आ चुका है, यहां पर दिखाता हूं मैं आप लोगों को। इसके अंदर आपको लिखना है रिप्लाई डायलर, यहां पर आपको लिखना है डी आई डायलर, जैसे आप इसके अंदर आप लिखोगे रिप्लाई डायलर तो आपके पास ये डायलर आपके फ़ोन में आ जाएगा, और आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एंड आप लोग चाहोगे तो आप लोग लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, और जल्दी से आप लोग इस डायलर को लिंक से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, जो कि ये रिप्लाई डायलर है और इसके अंदर आपको डायलर जो मिलता है रिप्लाई डायलर है। तो मैंने अपने फ़ोन में खुद इसे यूज़ करता हूँ, आप लोग भी अपने फ़ोन में इसे यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं अपने फ़ोन में इसे यूज़ करता हूँ, आप लोग चाहो तो अपने फ़ोन में इसे यूज़ करके अपने फ़ोन में रख सकते हो, जो कि मैंने इसे यूज़ किया है और इंटरेस्टिंग लगा है। इसके अंदर आप लोग को कुछ फीचर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आप लोग इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसके बारे में आप लोग को बता दिया कि आप लोग गूगल डायलर को रिमूव करके एंड वीवो का ओल्ड डायलर को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके साथ में आप लोग के लिए एक ऐसा डायलर के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपको देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के इंप्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते किसी इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।